तुमच्याच नंबर वर लावला फोन. तिकडे जाणं वाढ आपण नाही.
नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है श्रेयस। तो भैया आज है 22 दिसंबर 2022 और आज हम आए हुए सोनालिका के डीलरशिप पे, जो कि हमारे गांव में है, कृषि वैभव ट्रैक्टर्स। और आज यहाँ से हमारे चाचा लेने वाले हैं सोनालिका DI-47RX 4WD की डिलीवरी। तो सामने ट्रैक्टर तैयार हो रहा है डिलीवरी के लिए। तो आप लोग बने रहे वीडियो में अंत तक। तो मैं आपको ट्रैक्टर का ओवरऑल लुक दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो भैया ये है सोनालिका DI-47RX 4WD और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लुक है ट्रैक्टर का। और फ्रंट में इसमें मिल जाता है हमको लगभग 50 किलो का वेट। और सामने आपको मिल जाती है दो हेलोजन लाइट्स। और इसके 4WD के फ्रंट टायर की बात की जाए तो इसका टायर है 18-20 का और यहाँ पर 50 कैटेगरी का लोगो है। और बैक टायर की बात की जाए तो यह है 14-28 का और यहाँ पर हमारे पे टायर मिले हैं जो कि अच्छा है। मैं आपको इसका 4WD का फ्रंट एक्सल दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं इसका एक्सल जो कि आता है व्यूएल गियर रिडक्शन के साथ। और इसकी टर्निंग में आपको दिखाएंगे। इस एक्सल का एक एडवांटेज है कि ये बहुत ज़्यादा टर्निंग करता है ट्रैक्टर, इससे पूरा टायर घूम जाता है इस एक्सल से। यहाँ पर आपको मिलती है सोनालिका की ब्रांडिंग DI-47RX 4x4 सिकंदर और 50 HP कैटेगरी, हाई टॉर्क 205 न्यूटन मीटर का, 1900 इंजन रेटेड RPM पर। आप देख सकते हैं इसकी लाइटिंग फेंडर पे। तो यह फ्रंट से कुछ इस तरह की लुक आपको मिलती है और बहुत ही शानदार लाइट दिए गए हैं फेंडर पर, जो कि इसके लुक को और एनहांस कर रही है। भैया आपको इसकी टर्निंग दिखाते ग्रैंड एक्सल की। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा टर्निंग करता है ग्रैंड एक्सल।
आप देख सकते हैं सामने ट्रैक्टर 2 से 3 इंच ऊपर उठ जाता है, इतनी ज़्यादा टर्निंग करता है एक्सल। इस एक्सल का यही एडवांटेज है भैया, ब्रेड एक्सल होने की वजह से इसकी टर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी मिलते हैं आपसे डिलीवरी के समय पे। तो भैया कुछ इस तरह का इसका बोनट ओपन होता है पूरा ऊपर की तरफ, और इसमें दिया गया है आपको सिंगल सिलेंडर रॉड, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिक ऊपर लिफ्ट हो जाता है। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इंजन। तो इसमें आता है भैया 3 सिलेंडर का इंजन, जो कि 3065 cc का होता है और 50 hp कैटेगरी का होता है। तो भैया इस मॉडल में है, हेलो मीडियम वाला मॉडल है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और 8+2 का गेयरबॉक्स है इसमें। तो आपको दिखाते हैं इसका ऑडोमीटर ऊपर से, क्योंकि कुछ इस तरह का है देख सकते हो। और मैं आपको गियर्स की पोजीशन दिखाता हूँ। तो इसमें आते हैं 4 गियर हाई में, 4 लो में, और 1 रिवर्स, 1 लो में और 1 हाई में। ऐसे इसमें 8+2 का गियरबॉक्स है। और इस तरफ आपको मिल जाते हैं पीटीओ के लीवर, इसमें आता है लाइव पीटीओ और ग्राउंड पीटीओ, और यह है हाइलो का गियर। और इस तरह का लुक आता है कैबिन व्यू से। और ये कॉम्बो स्विच मिल जाता है, जिसमें सभी लाइट्स के कंट्रोल आते हैं। हॉर्न का बटन बीच में दिया गया है, और इजी स्टीयर के लिए नॉब भी दिया गया है, ताकि ऑपरेटर एक ही हाथ से ऑपरेट कर सके। और ये आता है हैंड एक्सीलेटर, और ये हैजार्ड लैंप का बटन। तो भैया मैं आपको इसकी 4-wheel drive की शॉप दिखाने की कोशिश करता हूँ। कुछ इस तरह से है इसकी 4-wheel drive की शॉप, जो कि पूरी तरह से कवर कर रखी है नीचे से।